कमर सीधी, चित शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास, ओम शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानकवासी आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भन्ते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, मेरे शासन दिवाकर उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता। मेरी तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी भावना की भावधारा में हम लगातार गोते लगा रहे हैं। मेरी भावना के माध्यम से हम आत्मा और अध्यात्म के तल पर जीवन को देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस नश्वर संसार में अगर कोई सार है तो वो अध्यात्म है, वो आत्मा है।
आत्मा और अध्यात्म के अलावा सब नश्वर है, यही एक ईश्वर है आत्मा अध्यात्म। और इस अध्यात्म को हम किस तरह अनुभव करें, उस अनुभव से जोड़ने के लिए पंडित जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर ने मेरी भावना के माध्यम से बड़ा गजब का प्रयास किया है। अद्भुत रचना मानता हूं मैं इसको। अगर कोई आत्मा का तल स्पर्शी अध्ययन करना चाहता है, आत्मा के सच्चे स्वरूप को अगर वो समझना चाहता है, धर्म की अध्यात्म की असली परिभाषा क्या है, अगर ये जिज्ञासा रखता है कोई भी जिज्ञासु, तो मेरी भावना उस जिज्ञासा का समाधान है। समस्त जिज्ञासाओं का समाधान मिलता है हमको इस मेरी भावना के अंदर। क्यों मिलता है? क्योंकि ये समस्त आध्यात्मिक ग्रंथों का सार है, जिनको संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, इंग्लिश का गहन अध्ययन नहीं है, वो केवल हिंदी की इस सरल सी कविता के माध्यम से अध्यात्म और आत्मा के रहस्यों को जान सकता है। इसलिए मेरे लिए तो बहुत अद्भुत रचना है। जब कोई भी डूबकर सचैतन्यता के साथ, सजगता के साथ, भावनाओं के साथ जब भी कोई मेरी भावना का पठन करता है, पठन करते करते इस मेरी भावना में अगर आत्मा को ढूंढना चाहता है तो सहजता से ढूंढ सकता है। और एक और बड़ी बात कहता हूं, जिसे मेरी भावना में आत्मा के दर्शन नहीं हुए, फिर वो चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, उसको कहीं आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि जो सरलता में नहीं ढूंढ पाया, वो विशिष्टता या कठिनता में कैसे ढूंढ पाएगा। आज मेरी भावना का अंतिम पद, 11वां पद, जैसा कि मैं रोज या एक दो दिन छोड़कर दोहराता रहा हूं कि मेरी भावना 11 पदों में सिमटी हुई है। ये 11 पदों में अगर कोई आत्मा निमग्न हो जाए, मग्न हो जाए, अपनी आत्मा के इसमें कोई संलग्न कर ले, तो भाव के स्तर पर वो इतना ऊंचा उठ सकता है कि भावना भाते भाते असंख्य वर्षों के अशुभ कर्मों का क्षय कर सकता है, बैठे बैठे सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है, बैठे बैठे सम्यक्त्व का बोध प्राप्त कर सकता है। पर लेकिन ये बोध उसी को मिलता है जो इस बोध को पाने की ललक रखता है, तड़फ रखता है, प्यास रखता है। क्योंकि ये बात अनुभवियों ने गलत नहीं कही, जहां चाहा वहां रहा। आपकी चाह ही आपको सही राह पर ले आती है, ढूंढ ही लेती है, खोज ही लेती है। जो आदमी पाना चाहता है और उस पाने की अगर तड़फ हो, तो प्रकृति भी इतनी ईमानदार है कि उसको कोई ना कोई रास्ता उसे सुझा देती है, ये तेरा रास्ता है।
तो इसके लिए एक तड़फ चाहिए। आज पूर्णाहुति कर रहे हैं, मेरी भावना कि एक दो प्रवचन जो और होने होंगे इसके ऊपर सुनाऊंगा, क्योंकि चतुर्मास की पूर्णाहुति मेरी भावना से ही करूंगा। लेकिन आज 11वें पद को गुनगुनाते हैं, प्रवेश करते हैं। थैले प्रेम परस पर जग में मोहो दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बन कर सब युग वीर हृदय में देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। थैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बनकर सब युग वीर हृदय में देशो नतिरत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। वाह, क्या गजब की पूर्णाहुति की है। मेरी भावना की पूर्णाहुति बड़ी गजब की है। देखिए, पहली पंक्ति पर आज हम चर्चा करते हैं, अंतिम पद की चतुष्पदी की प्रथम पंक्ति, क्योंकि हर पद चार लाइनों का है इसे हम चतुष्पदी बोलते हैं। हर पद की चार चार पंक्तियां हैं, तो अंतिम पद की जो चार लाइनें हैं, चार पंक्ति हैं, उसकी प्रथम पंक्ति में क्या बोला है, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। आज पता चलेगा हमको कि प्रेम में और मोह में क्या अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए, क्योंकि सुनने में दोनों शब्द हमको पर्यायवाची मालूम देते हैं, प्रेम कहो मोह कहो हमें एक जैसा मालूम देता है, लेकिन प्रेम में मोह में वही अंतर है जो जमीन और आसमान में, और दोनों विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध शब्द हैं ये। वो बात अलग है कि सुनने में हमको ऐसा लगे कि प्रेम और मोह एक ही चीज है, नो, एक आग है तो एक पानी है, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, एक में धर्म है तो एक में पाप है, एक में प्रकाश है तो एक में अंधकार है, प्रेम प्रकाश का प्रतीक है तो मोह अंधकार का प्रतीक है, एक में होश है तो एक में बेहोशी है, प्रेम में आदमी होश में रहता है मोह में आदमी बेहोश हो जाता है, एक में बेहोशी है तो एक में होश है, एक में संबोधि है एक में बोध है और दूसरा हमें अबोध बना देता है, एक में ज्ञान है तो एक में अज्ञान है, तो कैसे ये दोनों पर्यायवाची हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल विपरीत हैं एक दूसरे से। इसकी विपरीतता को ध्यान में रखते हुए तभी महाकवि जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर ने इस चीज को समझाने के
नजरिए से ये बात कही है कि फैले प्रेम परस्पर जग में, क्योंकि परस्पर जो शब्द बोला गया है, परस्पर यानी आपस में, आपस में यानी जहां जहां भी हम जिस जिस से भी जुड़े हुए हैं, यानी इसमें पूरी प्रकृति आ गई है, पूरा अस्तित्व आ गया है, जिस अस्तित्व ने हमको बचा रखा है, जिस जिसका हमारे ऊपर उपकार है, उनके उपकारों का स्मरण करते हुए अंदर जो एक कृतज्ञता, एक एहसान मंदी जो आती है कि नहीं, इनके बिना मेरा जीवन अधूरा था, ये भाव जब प्रबल और प्रगाढ़ होते हैं तब प्रेम का जन्म होता है। प्रेम हमें विस्तृत बनाता है, विस्तार देता है, विशाल बनाता है। मोह हमें बहुत संकुचित बना देता है, बहुत छोटा बना देता है, बहुत शुद्र बना देता है। एक में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, एक में छोटा सी बात छुपी हुई है, एक में छोटापन है, एक में बड़प्पन है। जो हमें बड़प्पन की ओर ले जाए, जो हमें बड़ा बनाए वो है प्रेम, जो हमें छोटा बना दे वो है मोह। इसको समझने के लिए अपने जीवन से ही एक शुरुआत करते हैं, आप सभी के जीवन से, हम सभी के जीवन से। आपने कभी अपनी जिंदगी को बड़ी गहराई से देखा हो, और जब हम अपने जीवन तत्व के बारे में विचार करते हैं कि मेरे जीने के कौन कौन से आधार हैं, हमारी जिंदगी के कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, किनके आधार पर हम जीवित हैं, इस संसार में कौन से तत्व हैं जहां से हमें जीवन की एक धारा मिलती है, तो हम जब बड़ी गहराई से देखते हैं हमारे जीवन का पहला आधार क्या है। आपने देखा, सोचा कभी? जी तो आप भी रहे हो, जी तो मैं भी रहा हूं, लेकिन कभी विचार किया कि जीवन का पहला आधार क्या है, किसके आधार पर हम जीते, क्या चीजें जो हमें जिंदा बता रहे कि हम जिंदा हैं? क्या बताओगे आप? श्वास, क्योंकि जो श्वास है वो पहला आधार है हमारे जीवन का। श्वास है तो इसका मतलब, क्योंकि जब आदमी बेहोश पड़ा हो, दूर से ऐसा लगे कि मुर्दा है, तो एकदम तुरंत उसके पास आते हैं तो उसकी छाती के ऊपर कान लगाते हैं, कभी उसकी नब्ज पकोड़ते हैं, कभी उसके नाक के आगे अपने हाथों को लाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि धड़कन चल रही है या नहीं चल रही, नब्ज चल रही है या नहीं चल रही, श्वास चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर पता लगता है कि श्वास आ और जा रहे हैं, पता लग जाता है कि आदमी जिंदा है। देखिए, श्वास हमारे जीवन का पहला आधार है, श्वास से पता चलता है कि हम जिंदा हैं। दूसरा आधार क्या है? श्वास के बाद किसका नंबर आता है? श्वास के बाद आता है जल का नंबर। जल यानी पानी, जल तत्व है, क्योंकि हमारे श्वास के साथ हमारा जो ये बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर 80% पानी है, 80% जल तत्व है हमारे इस शरीर के अंदर। इस जल तत्व में अगर कहीं पर भी कोई कमी आ जाए तो हमारी श्वासें लड़खड़ाने लग जाती हैं, जी घबराने लग जाता है, हम असंतुलित हो जाते हैं, हमें चक्कर आने, क्योंकि पानी की अगर कमी हो गई तो हमारे को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब श्वास के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो उसका नाम है पानी। पानी पर जिंदगानी, जीवन टिका हुआ है पानी के ऊपर। अब तीसरा आधार क्या है? पहला श्वास, फिर जल, फिर तीसरा आधार भोजन। भोजन तीसरा आधार है, अन्न तीसरा आधार है,
सबसे पहले श्वास चाहिए, श्वास के बाद शरीर में जल तत्व चाहिए, और जल तत्व को तालमेल बैठाने के लिए अन्न चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन हमारा तीसरा आधार है इस जीवन का, क्योंकि भूख लगनी बंद हो जाए तो समझ लो खतरा शुरू हो गया है। जिनको भूख नहीं लगती, जिनको पाचन का तंत्र खराब हो गया है, भूख लगती नहीं है तो टेंशन हो जाती है। ये भी एक बीमारी है, भूख नहीं लगना, और ज्यादा भूख लगना ये भी एक बीमारी है। बीमारी दोनों ही है, बिल्कुल नहीं लगना ये भी बीमारी है, बहुत सारी भूख लगना ये भी बीमारी है। लेकिन जो बीच का मामला है, जिसको हम संतुलन कहते हैं, भोजन हमारे जीवन का तीसरा आधार है। जीवन को देखो बड़े नजदीक से, पहला आधार श्वास, दूसरा आधार जल, तीसरा आधार भोजन, चौथा आधार, चौथा आधार है विश्राम। ये चौथा आधार है जीवन का, क्योंकि जो हमारे तुम्हारे अंदर जो ताजगी आती है ना, वो विश्राम से ही आती है। आदमी जब बहुत थक जाता है, और थकने के बाद क्या आती है हमको, नींद आती है, लेटने का मन करता है, आप लेट जाते हो, और थोड़ी ही देर में अगर बढ़िया सी नींद आ जाए, जिसको हम साउंड स्लीप कहते हैं, अगर बढ़िया सी नींद आ जाए तो उठने के बाद बिल्कुल ताजगी है, राइट? कि आदमी 24 घंटे काम नहीं कर सकता, उसको विश्राम की जरूरत पड़ती है। हाँ, और हमारे यहाँ तो जब योग आसन करवाते हैं, तो योग आसन करवाने के बाद लास्ट में एक सव आसन करवाते हैं, भाई लेट जाओ, सांस छोड़ दो, निष्क्रिय हो जाओ, कोई कुछ नहीं सोचना, अपने श्वासों को आते जाते देखो, और कहीं दिमाग नहीं ले जाना, श्वास के ऊपर केंद्रित हो जाओ, आपके शरीर में कहाँ कहाँ स्पंदन हो रहा है, अपनी आँखों से, शांत चित्त की आँखों से देखने का प्रयास करो, बिल्कुल निश्चेष्ट होकर के लेट जाओ। विश्राम यानी विश्राम हमारे अंदर एक नई चेतना को जन्म देता है। कमोबेश अगर आप देखो, ये जीवन के चार आधार हैं मुख्य रूप से। आधार तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चार आधार हैं, इसके ऊपर हमारा जीवन चल रहा है। श्वास, जल, भोजन और विश्राम। विश्राम के लिए ही रात्रि बनाई गई है, दिन परिश्रम करने के लिए बनाया गया तो रात्रि विश्राम के लिए बनाई गई। रात में विश्राम, और जो निशाचर लोग हैं, जो रात में चरते हैं, रात में ही चलते फिरते हैं, उनकी प्रकृति अलग तरह की है, लेकिन ठीक है, उनके लिए दिन रात का काम करता है। लेकिन मनुष्य जाति के लिए देखा जाए, हम लोगों के लिए देखा जाए, क्योंकि हमने तो यहां तक सुना है वनस्पति जगत के अंदर कि वृक्ष भी रात्रि के अंदर विश्राम करते हैं, विश्राम करते हैं, क्योंकि रात है ही विश्राम के लिए। क्योंकि दिन और रात ये जीवन का आधार है, दिन में परिश्रम कीजिए, रात में विश्राम कीजिए, फिर दोबारा सक्रिय हो जाइए आप। ये तो जीवन के चार आधार हैं, लेकिन एक जीवन का एक परम आधार है, जिनके पास श्वास है, जल है, भोजन है, विश्राम है, लेकिन इन चार आधार के ऊपर एक परम आधार बतलाया, परम आधार, और उस परम आधार का नाम है प्रेम। क्या है? प्रेम। क्योंकि प्रेम रस घोल देता है, आह, प्रेम जीवन में रंग भर देता है, प्रेम हमको जोश से भर देता है, प्रेम हमें सक्रिय बना देता है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो हमें हमेशा तरोताजा रखता है, एक हमेशा प्रेम एक ऐसा तत्व है जो हमें हमेशा तरोताजा रखता है, तरोताजा। क्योंकि प्रेम से जुड़ने के बाद, ये तो प्रेम ही जानता है जी, जिसने प्रेम नहीं किया, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं,
जिन्होंने गंभीरता को ओढ़ रखा है, मैं उनकी बातें नहीं करता हूं, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो हमें सहज बना देती है, सहज। क्योंकि आदमी जितना नेचुरल प्रेम में होता है, इतना नेचुरल कभी भी नहीं होता है प्रेम। क्योंकि क्रोध में नेचुरल नहीं होता, अभिमान में नेचुरल नहीं होता, डर में नेचुरल नहीं होता, भय में नेचुरल नहीं होता, लालच में नेचुरल नहीं होता, काम में नेचुरल नहीं रहता। नेचुरल बनाने की ताकत अगर किसी में है तो किस में है? वो प्रेम। प्रेम हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अगर ये आधार नहीं रहा होता तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा होता, जा घट प्रेम ना उपजे ता घट जान मसान। वाह, जिस घट में, जिस हृदय में प्रेम का जन्म नहीं होता, जा घट प्रेम ना उपजे, जिस घट में, जिस हृदय के अंदर प्रेम पैदा नहीं होता, उस घट की तुलना मालूम है किससे की है? मसान से। मसान यानी शमशान से। शमशान के साथ तुलना की है जिसके अंदर प्रेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों तुलना की मसान के साथ? क्योंकि मसान यानी शमशान एक वो जगह है जहां जीवन की आखिरी अमानत शरीर, वो भी खत्म हो जाता है। शमशान उसको कहते हैं जिंदगी की आखिरी निशानी है, वो जिंदगी जहां किसी ने कभी श्वास लिया था, जहां जल का भंडार था, जहां भोजन था, जहां विश्राम था, जहां प्रेम था। तो आप ये देखिए, प्रेम के बिना जीवन हमारा शमशान के तुल्य होता है। शमशान में क्या है? सुनसान है ना, किलकारियां गूंजती है महलों में, शमशान में तो सब शांत, खत्म, कुछ भी नहीं, आखिरी निशानी भी खत्म हो जाती है। जहां शरीर भी खत्म हो जाए, समझो आखिरी निशानी भी जहां खत्म हो जाए। इसलिए कहा कि जा घट प्रेम ना उपजे ता घट जान मसान। वो जहां प्रेम नहीं है, वो चलता फिरता कब्रिस्तान है, चलता फिरता शमशान है। क्योंकि जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो शमशान ही है। क्यों है? क्योंकि वो सुनसान है। सुनसान क्यों है? वो किसी का नहीं है, कोई उसका नहीं, वो किसी का नहीं। जब कोई किसी का नहीं, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, तो मैं हूं चलता फिरता शमशान हूं जी, चलता फिरता सुनसान हूं मैं। सुनसान भी हूं, शमशान भी हूं, वीरान भी हूं। जब प्रेम मेहरबान होता है, जिंदगी में रंग आ जाता है, जिंदगी तरंग से भर जाती है, जिंदगी उमंग से भर जाती है। अगर प्रेम नहीं होता तो अंदर उमंग नहीं होती, ये करूं, ये करूं, ये करूं, करने के भाव पैदा नहीं होते। इसलिए कहता हूं कि जीवन का परम आधार अगर कोई है तो वो है प्रेम। प्रेम की एक और उपमा दी है कि प्रेम ऐसा है जैसे भोजन में नमक, भोजन में नमक। अब आप भोजन में, सब्जियों में कितने भी प्रकार के मसाले डाल लो, लेकिन एक नमक नहीं है ना, मजा किरकिरा, भोजन में आने नहीं आते, भोजन सरस बनता ही। भोजन को सरस बनाता है नमक। और देखो आप, जितने भी मसाले हैं, सब मसालों में सबसे सस्ता कोई चीज है तो क्या है? नमक। देखो, सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है। इसलिए कहता हूं कि प्रेम कहीं बिकता नहीं है। हाँ, प्रेम की तो भैया एक ही शर्त है। क्या कहा? प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जेही रुचे शीश देई ले जाए। बस एक बहुत अच्छी परिभाषा की
कि प्रेम एक ऐसी चीज है जो किसी खेत में पैदा नहीं होता, किसी बाड़ी में पैदा नहीं कहते। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम किसी बाड़ी में, किसी आंगन में, किसी खेत में, किसी खलिहान में पैदा नहीं होता। प्रेम किसी बाजार के अंदर नहीं बिकता कि तुम पैसा दिया और लेकर के आ गए। राजा प्रजा जे ही रुचे, देखो क्या गजब की बात कही, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, क्योंकि जो राजा है वो अमीर का प्रतीक है, जो प्रजा है वो गरीब का प्रतीक है, क्योंकि राजा बड़ा है प्रजा छोटी है। तो कबीर साहब ये कहते हैं कि राजा प्रजा जे ही रुचे, एक प्रेम एक ऐसी चीज है, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसको प्रेम चाहिए, जो प्रेम करना चाहता है, जो प्रेम पाना चाहता है, जो प्रेम देना चाहता है, उसको कोई कुछ नहीं करना है। राजा प्रजा जही रुचे शीस दे ही ले जाए, हाँ? इसके लिए तो प्रेम के लिए एक ही चीज चाहिए, क्या? अपनी ईगो छोड़ दो, बस अपना अहंकार छोड़ दो, जिसमें अभिमान है, जिसमें अहंकार है, जिसमें अकड़ है, ऐसे अकड़ वाले व्यक्ति के हाथ में प्रेम पकड़ में नहीं आता। अभिमानी व्यक्ति प्रेम का आनंद नहीं ले सकता। चलो, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, क्योंकि आज मुझे अपनी सीमा में बोलना है, क्योंकि आज मुझे पूरा प्रवचन नहीं करना है। थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं, बहुत अच्छे हैं ये राजा हरिश्चंद्र, कमाल कर दिया। अब इस इनकी नहीं सोचे तो किसकी सोचेंगे, और साधु होकर के ना सोचूं तो फिर कौन सोचेगा। तुम्हें सोचवाने के लिए तो बोलवा रहा हूं, तुम भी कुछ सोच लो, इसलिए तो सुना रहा हूं, बुला बुला के सुना रहा हूं, आओ सुनो। तो इस भाव से बोले, धर्म न दो जा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर तप नहीं, अरे झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़े बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए, तप बल से भी सत्य का बल है अपरम पार, हरिश्चंद्र के सत्य की सुनिए अब झनकार, वह सत्यवादी हरिश्चंद एक पल में बना भिखारी, मर घट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे,
फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग कल सुन रहे थे, क्योंकि अंतिम दृश्य चल रहा है, यहीं पर ही फैसला होने वाला है कौन कितने पानी में है, यहीं फैसला हो जाएगा कि धर्म जीतता है या अधर्म जीतता है, अहंकार जीतता है या विनम्रता जीतती है, यही फैसला हो जाएगा सत्य जीतता है या असत्य जीतता है। यह आखिरी दौर है, परीक्षा जब होती है ना भैया, कभी कभी हम लोग जब तकलीफ हमारे ऊपर आती है तो ऊपर वाले की तरफ नजर दौड़ाते कहते हैं, तू कहां सो गया, तू कहां है, देख क्यों नहीं रहा। लेकिन ये भूल जाते हैं, कभी तुमने एग्जाम नहीं दिए, परीक्षा नहीं दी क्या? परीक्षा जब देते हो ना तो उस वक्त तुम्हारा अध्यापक भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, ही नहीं, कानूनी नहीं है। तो समझ लो आप कि जिसने अध्यापक ने तुमको पढ़ाया एग्जाम के समय, वो भी आंख बंद कर, हाँ लो खुद ही करो, ये परीक्षा है। ऐसे जीवन की भी परीक्षा होती है, और परीक्षा के दौरान ये मत ध्यान रखना कि गुरु हमारी हेल्प करेगा या भगवान हमारी हेल्प करेगा, वो ये कहेगा कि भैया साल भर में जो सीखा है अब तुम अपने आप करो, अब हमने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, जो समझाना था समझा दिया, अब तुम्हें अपना ही उपयोग करना है, अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना है, उसका पूरा इस्तेमाल करना है, इसी को हम परीक्षा कहते हैं। तो कल आप सुन रहे थे शमशान के नजदीक या शमशान के बीच में, क्योंकि वो शमशान बहुत बड़ा है, आवाज आई है एक औरत के रोने की, और हरिश्चंद चला है उस ओर, थोड़ी देर के लिए एक बिजली का चमकारा हुआ, काला कंबल पहने हुए हैं, चेहरा काला है क्योंकि धूल, चिता की धूल से चेहरा भी काला पड़ा हुआ है, बाल बढ़े हुए हैं, ऊपर से काला कंबल, आंखें मोटी मोटी, हाथ में डंडा। ये दृश्य जब देखा तारा ने, उस थोड़ी सी बिजली चमकारा मारा था, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो तारा ने क्या सोचा कि लगता है यमराज आ गया, यही अभी मेरा बच्चा जिंदा है, हाँ, क्योंकि यमराज तो अब आया है, यानी अभी मेरे बच्चे के जिंदा होने की संभावना है। बच्चे को उठा लिया, कलेजे से चिपका लिया और क्या बोलने लगी। सच बताऊं आपको, ऐसा ही अगर कोई दृश्य हो, जंगल का, बरसात हो रही हो, कोई काला कंबल पहन के, हाथ में लठ लेके, बिजली के चमकारे में अगर तुम्हारे सामने कोई आ जावे तो क्या होगा? ओए होए होए, हे भन्नो के गुरु महाराज, कम से कम ऐसा मत बोलो, हमें ऐसा दृश्य देखना भी नहीं। लेकिन खून का पता चल जाता है कि किसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। क्षत्रिय बाला थी साहस कर बोली, अरे कौन है तू,
मेरा लाल चुराने आया समझ गई अंतक है तू। हट जा तू मेरी आंखों के आगे से मत साहस कर। मेरे जीते जी प्रिय सुत को ले न सकेगा रजनी चर। कौन है तू? अभी तो रो रही थी, जोश आ गया, पता भी नहीं चलता इन औरतों का कब रोवे कब जोश आ जाए। हाँ, एकदम जोश आ। कौन है तू? मेरा लाल चुराने आया है, यमराज है तू। मेरी आंखों के सामने से हट जा, क्योंकि अभी इसकी मां जिंदा है। जीते जी तू मेरे कलेजे के टुकड़े को नहीं ले जा सकता। हरिश्चंद्र तो असमंजस में पड़ गया। हरिश्चंद्र थे विस्मित, ये क्या धधक उठी सहसा ज्वाला। अभी अभी तो दैन्य शोक का बहता था गदगद नाला। देवी मैं यमराज नहीं हूं और न कोई दानव हूं। विपत ग्रस्त हत भाग्य तुम्हारी तरह एक लघु मानव हूं। वृथा शोक क्यों करती हो, जग की यह रीत सनातन है। मानव की ये अंतिम परणत छन नश्वर नर का तन है। क्या मानव क्या देव सभी को, क्या मानव क्या देव सभी को, एक दिवस यह आता है पल भर में ही मृत्यु कहीं से कहीं उड़ा ले जाता है। हाँ अवश्य ही दुख भयंकर पुत्र मृत्यु का वज्र पतन। मातृ हृदय की इस ज्वाला का जीवन भर होता न समन। किंतु हाथ की बात नहीं कुछ, ये दुख तो सहना होगा। धैर्य संत धैर्य और संतोष अंततः दिल में भरना ही होगा। चकित हो गया कि अभी तो रो रही थी और अभी एकदम भड़क गई। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, इसने शायद मुझे गलत समझा है। कहा कि देवी मैं कोई यमराज नहीं हूं, मैं कोई दानव नहीं हूं, क्योंकि रजनीचर को दानव भी कहते हैं, दानव, क्योंकि दानव जो है वो अंधकार का प्रतीक है, देव जो है वो प्रकाश का प्रतीक है। कहा कि मैं कोई रजनीचर, मैं कोई दानव नहीं हूं, ना ही मैं कोई अंतक हूं, ना ही मैं कोई यमराज हूं। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक किस्मत का मारा एक मामूली इंसान हूं। और सुनो देवी, इस तरह रोने और गिड़गिड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि ये रीत सनातन है, प्राचीन है रीत। जिसका जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। कब मरना है, कौन मारेगा, ये किसी को कुछ नहीं पता होता है। मानव ही क्या, एक ना एक दिन देवताओं का भी चवन होता है, एक ना एक दिन देवताओं को भी मरना पड़ता है। ये मौत बड़ी गजब की चीज है, पता नहीं किस गति से उठाकर जीव को किस गति में ले जाए। ये मौत बड़ी गजब की चीज है और इस मौत के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। मैं ये भी मानता हूं कि एक मां के लिए बच्चे की मृत्यु एक वज्र पतन, एक वज्रपात है, ये मैं मानता हूं। क्योंकि एक मां का दिल ही इतना कोमल होता है कि वो अपनी आंखों के आगे अपनी औलाद को मरते हुए नहीं देख सकती, ये मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन देवी, मृत्यु किसी का लिहाज नहीं बरतती, ना जवान सुहागन का, ना मां बाप के अरमानों का लिहाज बरतती है। क्योंकि मौत सभी को आती है, जिसकी जितनी उम्र है उसको उतनी उम्र में जाना पड़ता है। इसलिए मैं देवी एक बात कहता हूं, हिम्मत करो, धैर्य धरो, संतोष धारण करो और जिंदगी की इस सच्चाई को कबूल करो। जब इतना मीठा कोई बोला, वो देखो क्या विडंबना है, रात की चादर ने दोनों को छुपा रखा है।
क्योंकि तारा भी नहीं सोच सकती थी जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा पति है। सोचे तो सोचेगी ना, और हरिश्चंद्र भी नहीं सोच सकता जो औरत बच्चे को गोद में लेकर के विलाप कर रही है वो मेरी ही पत्नी तारा है, सोच भी नहीं सकता था। जब सोचते नहीं है तो वहां दिमाग जाता ही नहीं है, दिमाग वहां नहीं जाता। दिमाग जब जाता है तभी जाता है जब हम सोचते हैं, हाँ ये भी हो सकता है, तब आदमी आगे जाता है। जब के बारे में सोचता ही नहीं तो वो जाता नहीं है। तारा इस सौजन्य पूर्ण मृदु करुणा वाणी को सुनकर समझी ये है कोई सज्जन करुणा ममता का सागर। नमस्कार, तुम कौन अपरिचित दर्शन देने आए हो, स्वर से नहीं विभीषण जैसा भीषण रूप बनाए हो। क्या तुम सचमुच मुझसे ही हत भाग्य कर्म के मारे हो, अथवा कोई छद्म वेश में देव दयालु पधारे हो। सैकुण कंठ मधुर स्वर कैसा तुम वर देव विनिश्चल हो, मुझ दुखिया का दुख दूर करो तुम शरणागत वत्सल हो। अब क्या और परीक्षा लेते इस छल का परित्याग करो, आए हो तो कृपा करो कुछ मेरा जीवित पुत्र करो। जब ये इतनी मीठी और सौजन्यपूर्ण आवाज सुनी तो तारा शांत हो गई और अंधकार में बोली कि हे परिचित, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन मेरा नमस्कार स्वीकार करो। तुम्हारी आवाज जितनी मीठी है, भगवान ने तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके स्वर बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका रूप बड़ा भयानक, क्योंकि बाल बड़े हुए थे और चिताओं की धूल से चारा चेहरा काला पड़ा हुआ था, परतें पड़ी हुई थी धुएं की और राख की परतें पड़ी हुई थी। उसको क्या पता इन परतों के पीछे भी एक खूबसूरत चेहरा है, लेकिन किस्मत की बात है भैया। कहा, तुम सच बोल रहे हो कि मेरी ही तरह तुम भी किस्मत के मारे हो, या कोई वेश बदलकर कोई देव हो तुम? क्योंकि आवाज बताती है तुम देव हो और शरीर बताता है कि तुम कोई दानव हो। मैं समझ नहीं पाई, फिर कहने लगी, ए मेरा दिल कहता है कि तुम कोई देवता हो और तुम मेरी कोई परीक्षा ले रहे हो। परीक्षा मत लो, मैं सहन नहीं कर सकती। मैं आपसे एक ही दुआ, एक ही अरदास करती हूं कि आप मेरे बच्चे को जीवित कर दो, इसको होश में ला दो। इसकी आवाज सुनने को तरस रही हूं, ये जिस तरह मेरे गलबाहिया करता है, एकदम मेरे चिपकता है खुशी के मारे। उस वक्त एक मां को जो सुकून मिलता है वो सुकून छिन चुका है मेरे से। ए तुम दयालु हो, कृपालु हो, ये छद्म में ये परीक्षा लेडी बंद करो, मेरा बच्चा मुझे वापिस कर दो। यही एक अरदास है, यही दुआ मांगती हूं। और ये कहकर के फूट फूट करके रोने लग गई कि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और ये एक बात कवि ने बहुत गहरी कही, तारा गदगद स्वर से रोती और प्रार्थना करती है, पाकर संवेदना हृदय की पीड़ा और उभरती है। जब आदमी चारों तरफ से निराश हो जाए, ये सोचने लगे कि अब कोई मेरा नहीं है, उस वक्त कोई प्यार से हाथ रखता है और कोई ये पूछता है कि बोल क्या तकलीफ है तुझको। इस संवेदना को पाते ही आंखें भर आती है, आदमी और रोने लग जाता है कि कोई है जो मेरे दर्द को समझ सकता है। तो ऐसे हम दर्द के आगे सारा दर्द आंसुओं का रूप लेकर के बहने लगता है।
तो फूट फूट के रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, अब और परीक्षा मत लो, मैं बहुत टूट चुकी हूं। उस वक्त कहा, भद्रे क्यों विश्वास न करती, स्पष्ट सत्य में कहता हूं, देव नहीं हत भाग्य मनुज में, इस मर घट में रहता हूं, रात्रि दिवस का वास यहां है, मृतक दाह करवाता हूं, अर्ध कफन कर लेता हूं, निज जीवन काल बिताता हूं, तुम भी सोचो मरे हुए भी भला कभी जीवित होते, प्राणी यम के मुख में जाकर कभी नहीं वापस होते, देव अगर जीवित कर दे तो फिर क्यों आप विवश मरते, सुर हो नर हो या कोई हो विधि के लेख नहीं मिटते, प्रतिदिन मरघट में ऐसे ही दृश्य भयंकर आते हैं, पुत्र पिता मा पति पत्नी रोते हैं कल पाते हैं, क्रंदन की ध्वनि सुनते सुनते वज्र कठोर बन गया मैं, मात्र शरीर खड़ा है दिल से करुणा शून्य बन गया मैं, अच्छा देवी धीर धरो तुम व्यर्थ न आहाकार करो, अर्ध कफन दो मुझको आओ शिखर मृतक संस्कार करो। कहा कि हे भद्रे, हे देवी, विश्वास करो, मैं कोई देव नहीं हूं, मैं एक साधारण मामूली इंसान हूं, और रात दिन मैं इसी मरघट के अंदर रहता हूं, और मरे हुयों की चिताएं सजाता हूं, उनको ईंधन देता हूं, और जलने से पहले आधा कफन टैक्स में लेता हूं, ये मेरी यहां की दिनचर्या है, ये मेरी जीवन की शैली है। और एक बात और कहना चाहता हूं देवी, तुम क्यों नहीं सोच रही हो, मरा हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आता है, जो एक बार यम के मुंह में चला गया वो वापस नहीं आता है, और सुनो, देव अगर जीवित कर दे, देवता में भी किसी को जीवित करने की ताकत नहीं है, क्यों नहीं है, अगर देवता किसी को जिंदा कर सकता था तो खुद मरता ही क्यों, आखिर देवताओं को भी मरना पड़ता है एक ना एक दिन। देवी धीरज धरो, क्योंकि ये रोज प्रतिदिन दृश्य मेरी आंखों के सामने आते रहते हैं, कभी माँ बाप रोते हैं, कभी बच्चे रोते हैं, कभी कोई रोता है, कभी कोई रोता है, रोते रोते मेरे कान पक गए हैं, लोगों को रोते रोते सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, अब मैं पत्थर का हूं, कुछ नहीं है मेरे अंदर, कुछ नहीं है, बस देर मत कीजिए, धीरज धर लीजिए, आधा कफन टैक्स में दीजिए और मृतक संस्कार की क्रिया को पूर्ण कीजिए। जब ये बात कही तो तारा का दिल धड़ धड़ करने लगा। तारा सुनकर बात निरपति की, दीन भाव से रोती है, भूत और संप्रति की भीषण टक्कर मन में होती है, कौशल की सम्रागी पर क्या संकट की बदली छाई, हा प्रिय सुत के लिए कफन का वस्त्र आज न जुटा पाए, मैं दुखियारी मुझ सम कोई और न जग में निर्भागन, फंसी हुई हूं बड़ी विपद में, निसहाय अबला जीवन, लाज बड़ी आती है फिर भी मौन रहे से होना क्या, लाज बड़ी आती है फिर भी मौन रहे क्या होना है, कफन नहीं है तो अर्ध कफन का प्रश्न कहां हल होना है। यह सुनते रो पड़ी बुरी तरह से, रोते रोते कहने लगी कि इस दुनिया में आपने बहुत सारे दुखी लोग देखे होंगे, लेकिन इस दुनिया में मेरे से बड़ा कोई दुखियारी नहीं, क्योंकि वो सोचने लग रही है कि कोई वक्त था हम सम्राज्ञी थे, अयोध्यापति महाराजा हरिश्चंद्र की महारानी थे, लेकिन आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जो अपने बच्चे के लिए कफन भी नहीं ला सकती। उस समय कहा कि आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी दुखी हूं, जब कफन ही नहीं है तो आधा कफन
कहां से लाऊं? जब कफन ही नहीं है तो आधा कफन कहां से लाऊं? जब ये बात सुनी तो एकदम चौंक पड़ा, क्योंकि जिंदगी में यह दृश्य हरिश्चंद्र ने भी नहीं देखा था अभी तक। बोला, भूपति चौंक उठे ये सुनकर, अरे कहा क्या कफन नहीं, क्या ऐसा दारिद्र जगत में ऐसा होता कभी नहीं, घर में क्या कोई न अकेली जो तुम मरघट में आए, क्या तुम विधवानी सहाय हो जो ऐसी विपदा पाए। चौंक उठा, क्या बोल रही हो तुम, कफन ही नहीं है, ऐसी भी क्या गरीबी आ गई, ऐसे भी क्या दरिद्रता आ गई। मैंने जिंदगी में बहुत गरीब लोग देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा गरीब आदमी नहीं देखा जिसको कोई कफन देने वाला ही नहीं बचा। क्या घर में कोई नहीं है, क्या तेरे माँ बाप कोई नहीं, क्या तू विधवा है, तेरा पति नहीं है क्या? जब ये विधवा शब्द सुना, ये कह करके मैं बात पूरी कर रहा हूं, जब विधवा शब्द सुना, क्षमा करें ऐसा न बोलिए, प्रभु करना से सधुआ हूं, कैसे तुमने समझ लिया मैं विश्व अमंगल विधवा हूं। क्षमा करें, मैं विधवा नहीं हूं, ये प्रभु की कृपा है, मेरा सुहाग अभी भी जिंदा है। जब ये बात सुनी, जब सुहाग जिंदा है और बच्चा उसका बिना कफन का है, तो हरिश्चंद्र चकरा गया, तब कहने लगा, क्षमा कीजिए देवी मुझको, धू स्थिति ने भ्रम में डाला, पति होते ये दुर्वस्था क्यों समझ न पाया मैं बाला, पति है तब भी क्या है निष्ठुर भाव, पति है तब भी क्या है निष्ठुर, साथ न तेरे आया क्यों, दे न सका जो कफन पुत्र को, व्यर्थ जनक पद पाया क्यों, उस पति को धिक्कार आने को वो पति नाम ल जाता है, इस प्रसंग में भी पत्नी की जो न मदद कर पाता है। कहा कि देवी सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं कि मैंने आपको विधवा कहा, लेकिन आपकी इस परिस्थिति, इस दुर्स्थिति ने मुझको भ्रम में डाल दिया था, इसलिए मैंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि कमाल की बात है, तुम कहती हो मेरा पति जिंदा है और पति के जिंदा रहते हुए आपकी ये अवस्था है, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कौन सा ऐसा बाप है, मैं मान सकता हूं कि तुम्हारे पति के बीच में कोई ना कोई विवाद हो सकता है, लेकिन बच्चा तो उसका भी है, लगता है तुम्हारा आदमी पति तो अच्छा नहीं बन पाया, लगता है पिता भी अच्छा नहीं बन पाया, मैं ऐसे पिता और पति के ऊपर थूकता हूं, यह भी कोई इससे बड़ी ज्यादा दानवता, निर्लज्जता, कठोरता हो ही नहीं सकती है। और ऐसे दुष्ट पति के रहते हुए तू अपने आप को सधुआ मानती है, तू अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, ऐसे पति को तो गाली देनी चाहिए, और तू उसके लिए आज भी इज्जत के शब्द बोल रही है। जब अपने कानों से अपनी पति की निंदा सुनी, तो आग लग गई तारा को, लेकिन इस आग के बारे में आज नहीं बताऊंगा, इस आग के बारे में अब कल तो है नहीं कार्यक्रम, परसों देखते हैं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं।
जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारे आखिर वो कंगाल हुए हो, दौलत के जो बने पुजारे आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों, बेंगलोरो वालो सुन लो, बात सुनाओ खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाओ गली गली, हो शोर मचाओ गली गली, शोर गली गली, शोर मचाओ गले गले। कल तो ऐसी सूचना आपको नहीं थी कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का चरित्र आज सुनाया जाएगा, लेकिन चरित्र को पूरा करना है उस दृष्टि से भी आज